अगर आप म्यूजिक कॉपीराइट्स के बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हो या जानना चाहते हो कि आप घर बैठे बैठे खुद से कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने म्यूजिक को ऑनलाइन कॉपीराइट करवा सकते हो तो ये वीडियो बिना स्किप करे स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स होंगे म्यूजिक कॉपीराइट को लेके वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में मैं वो हर एक चीज इन डिटेल बताता हूं अबाउट म्यूजिक बिजनेस जो एक इंडिपेंडेंट म्यूजिकल आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए। ये म्यूजिक बिजनेस या म्यूजिक इंडस्ट्री के आप सीक्रेट्स लगा लीजिए या एक ऐसी नॉलेज लगा लीजिए जो इतनी ज्यादा अभी लोगों तक पहुंची नहीं है और मैं वो खुद से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं और इस वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं तो प्लीज सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर ये वीडियो आपको आगे पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वीडियो सीरीज आप इन डिटेल यहाँ पर ऊपर कार्ड्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसको आपका मैं लिंक दे दूंगा, अब वहां पर जाकर भी वीडियो सीरीज को फ्रॉम द टॉप टिल बॉटम देख सकते हो। तो ये जो अब म्यूजिक कॉपीराइट वाली वीडियो है, ये वीडियो मैंने, ये जो अभी आप स्टूडियो देख रहे हो, ये स्टूडियो रेनोवेट हो रहा था या ये बन रहा था, उससे पहले अपने पुराने सेटअप पे जहां पर मैं पहले वीडियोस शूट करके अपलोड करता था, मैंने वहां पर शूट करी थी। पर उस टाइम पे आई गेस कोई इनका सर्वर नहीं चल रहा था कॉपीराइट का, या कुछ ऑनलाइन इशू था मे बी मेरे सिस्टम पे या उनके एंड से, तो मैं प्रोसेस नहीं बता पाया था एग्जैक्टली कि कॉपीराइट करना कैसे या प्रैक्टिकली। उसके पहले की नॉलेज सारी शूट वहां की हुई हुई है। इससे पहले हम वीडियो में आगे जाएं, मेरा एक छोटा सा टारगेट है। अभी हमने रिसेंटली कुछ टाइम पहले 3K क्रॉस किया एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए चैनल को। और ये मेरा पर्सनल टारगेट था, पर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरा ये पर्सनल टारगेट कितना जल्दी पूरा करवाने में मेरी हेल्प करते हो। हम अप्रैल 2024 तक 10K सब्सक्राइबर्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आई थिंक सो कि अगर आप उतना प्यार दो वीडियोस को जितना आप अभी दे रहे हो और अगर इसी स्पीड से सब चलता रहा तो हम जल्दी ही अप्रैल 2024 तक 10K हिट करेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी अचीव दिस टारगेट। अगर ये टारगेट अचीव होगा तो मैं अपने चैनल पे गिव अवे अनाउंस करूंगा। अब चलते हैं हम आज की वीडियो पे। एंड अगर आप जानना चाहते हो जब हमारा स्टूडियो रेनोवेट हो रहा था तो हमने क्या क्या चीजें करी, क्या क्या हार्डवेयर लगे हैं, क्या क्या सामान लगा है स्टूडियो में, अकूस्टिक ट्रीटमेंट कैसे करी, क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन हम लेके आए, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज नीचे कॉमेंट कीजिए। मैं अपने पूरे स्टूडियो के रेनोवेशन की वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग के लिए लेके आऊंगा। लेट्स गो टू टुडेज वीडियो। अब कॉपीराइट बहुत सिंपल होते हैं, बट जितने ही सिंपल होते हैं उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। देखिए ऊपर से देखिए तो इट्स वेरी सिंपल, बट जैसे आप उसके अंदर डीप जाते जाएंगे, उसके अंदर घुसते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि इस पूरी वीडियो में आपको म्यूजिक कॉपीराइट्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊं और जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आप लोग को समझाऊं। तो ये पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा और आप कॉपीराइट्स के बारे में हर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वो आप इस वीडियो के थ्रू जान जाएंगे। फर्स्ट थिंग, कॉपीराइट होता क्या है? कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट शायद एक ही चीज है, बट ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और अगर आप अलग से जानना चाहते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने अभी तक कोई ट्रेडमार्क नहीं कराया अपने बिजनेस से रिलेटेड, सो प्लीज दिस वीडियो इज अ मस्ट, और इस वीडियो के बाद, कॉपीराइट वाली वीडियो के बाद, ये वीडियो जरूर देखिएगा यहाँ पर जाकर कार्ड्स में। तो अब हम आते हैं कि कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट बेसिकली होता है कि आप किसी भी चीज को अपने नाम पर लीगली गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर कर दें जिससे कोई और उसे चुरा ना सके। बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर आपने कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी, मान लीजिए जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, फॉर एग्जांपल हम तो म्यूजिक की बात कर रहे हैं, म्यूजिक हो गया, कॉम्पोजिशन हो गई, या मूवी हो गई, या ऐसी कोई भी चीज जो यूनिक है और आप उसको अपने नाम पर सेव करना चाहते हैं, आप अगर उसका लीगल कॉपीराइट कर देंगे तो वो आपके नाम पे गवर्नमेंट के पोर्टल में सेव हो जाएगा और कोई और उसको यूज नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, या उसको इलीगली यूज करके उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता, उससे पैसे नहीं कमा सकता या उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता अगर आपने कॉपीराइट करवाया हुआ है तो। यहां तक बहुत बेसिक है। इसके बाद हम आते हैं कि कॉपीराइट बड़े बड़े टर्म्स में दो चीजों में डिवाइड होता है। एक होता है पुअर मैन्स कॉपीराइट और एक होता है लीगल कॉपीराइट। देखिए पुअर मैन्स कॉपीराइट, जैसे कि आप नाम से सुन सकते हैं, गरीबों का कॉपीराइट होता है। पहली बात, कॉपीराइट लॉ एक ये चीज कहता है कि जिस टाइम पर आपकी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टैंजिबल फॉर्म में आ जाती है तो लीगली आपका उस पर कॉपीराइट अपने आप हो जाता है, आपको पैसे देकर कॉपीराइट करवाने की जरूरत नहीं है। टैंजिबल क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं। टैंजिबल मतलब कि एक फिजिकल फॉर्म में जब भी कोई चीज कन्वर्ट हो जाए तो वो टैंजिबल हो जाती है। जैसे कि आपके दिमाग में लिरिक्स है, गाने के लिरिक्स
आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे ही आपने उन लिरिक्स को एक पेपर पे लिख दिया या अपने फोन पे लिख दिया या अपने लैपटॉप पे या नोटपैड पे लिख दिया या किसी को ईमेल कर दिया, जैसे भी वो फिजिकली दिखने लगे लिरिक्स या आपने उनको रिकॉर्ड भी कर लिया, तो वो लिरिक्स एक टैंजिबल फॉर्म में आ गए जिससे आप वो दूसरों को शेयर कर सकें। अब वो सिर्फ एक आइडिया नहीं है, तो वो एक टैंजिबल फॉर्म हो गई। जैसे ही वो इस फॉर्म में आ गए तो आपके ऊपर लीगली उनका कॉपीराइट आ चुका है। अब आपको वो चीज अपने पास संभाल कर रखनी है। पहले जमाने में क्या करते थे कि लोग खुद को ईमेल कर देते थे टाइम स्टैम्प्स के लिए, कि जैसे मान लीजिए मैंने आज कोई लिरिक्स लिखे, उन लिरिक्स को लिखा और खुद को ईमेल कर दिया, तो एक प्रूफ हो गया कि इस टाइम पर और इस डेट पर मेरे पास ईमेल आया था इस लिरिक्स का, मैंने खुद को किया था। तो ये फर्स्ट टाइम ये लिरिक्स टैंजिबल फॉर्म में आए थे। इसके बाद अगर किसी और ने इसको यूज किया है तो वो इलीगल यूज है, क्योंकि आपके कॉपीराइट वाले। पर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपने खुद को ईमेल कर दिया, आपने अपने फ्रेंड्स को सुनाया, आपने किसी और को सुनाया, आपने इंडस्ट्री में किसी से बातचीत करी, उनके साथ लिरिक्स शेयर किए और उन्होंने उन लिरिक्स को यूज कर गाना बना के उस गाने का लीगल कॉपीराइट करवा लिया। उन्होंने करवा लिया बिना आपकी परमिशन के, बिना आपको पे किए, बिना आपका कंसेंट लिए। अब उनके पास कॉपीराइट का सर्टिफिकेट है आपके लिरिक्स के यूज हुए हुए गानों का। तो इससे होगा क्या, आपका जो पुअर मैन्स कॉपीराइट है वो लीगल कॉपीराइट के सामने नहीं टिकता है। पुअर मैन्स कॉपीराइट एक खुद की कंसेंट के लिए है, और कोर्ट में भी आप इसको लेके जा सकते हैं कि मेरा कॉपीराइट है, मैंने इस टाइम पे बनाया था, दैट इज अ प्रूफ। पर किसी ने उसका लीगल कॉपीराइट करवा लिया अगर आपसे पहले, तो फिर वो जो आपका पुअर मैन्स कॉपीराइट है वो उसके सामने शायद ज्यादा देर ना टिक पाए कोर्ट के अंदर। इसलिए लीगल कॉपीराइट बहुत जरूरी होता है। अगर स्पेशली आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके लिए सीरियस हैं, आप गाने निकाल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए इंडस्ट्री में कि किसी और ने गाना निकाला और उस गाने की मेलोडी को चुरा के, उसके ट्यून को चुरा के, उसमें से सैंपल को यूज करके किसी और ने नया गाना बनाया, और उसके बाद वो जो नया गाना है वो ब्लो अप हो गया इंडस्ट्री में और पुराने गाने के बारे में किसी को पता ही नहीं। अब अगर पुराने गाने का प्रॉपर कॉपीराइट था तो वो लीगली जाकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उनको स्यू कर सकते हैं। ऐसे लीगल इश्यूज से बचने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, और मैं खुद भी करता हूं कॉपीराइट्स अपने सॉन्ग्स का, या मैं जो भी काम करता हूं सबका, हमेशा अपने गानों को कॉपीराइट करें अपने नाम पे, अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं तो। अगर कोई म्यूजिक लेबल बाद में आपको पसंद करता है, आपको साइन करना चाहता है, आपके म्यूजिक को यूज करना चाहता है, या कोई टीवी सीरीज या वेब सीरीज या फिर कोई एड एजेंसी या फिर कोई आप मान लीजिए मूवी आपके गाने को यूज करना चाहती है, तो फर्स्ट चीज ये पूछेंगे कि डू यू हैव अ लीगल कॉपीराइट ऑफ योर सॉन्ग विद यू, क्या आपके पास अपने गाने का लीगल कॉपीराइट सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आपके पास है तभी वो आपसे नेगोशिएट करेंगे उसके बाद उस गाने के लिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको वो करवाना पड़ेगा, और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें महीना डेढ़ महीना लग जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास बजट है तो प्लीज अपने गानों को कॉपीराइट करवा कर रखें टाइमली। ये हो गए पुअर मैन्स वर्सेस लीगल कॉपीराइट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो स्पेसिफिकली म्यूजिक कॉपीराइट्स के ऊपर बेस्ड है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पी लाइन कॉपीराइट और एक होता है सी लाइन कॉपीराइट। पी लाइन मतलब फोनोग्राम कॉपीराइट, फोनोग्राम मतलब जो भी चीज आप सुनते हैं, या फिर इसको मास्टर रिकॉर्डिंग कॉपीराइट भी कहा जाता है, या साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट भी कहा जाता है। जो सी लाइन कॉपीराइट होता है उसका मतलब होता है कॉम्पोजिशन कॉपीराइट, जो गाने की कॉम्पोजिशन है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। फोनोग्राम कॉपीराइट मतलब आपने गाना बनाया, उसको रिकॉर्ड किया, उसको प्रोड्यूस किया, मिक्स किया, मास्टर किया, सब कुछ करके एक फाइनल ऑडियो फाइल बनती है जिसको आप रिलीज करते हैं। उस ऑडियो फाइल के कॉपीराइट को, जो ऑडियो फाइल एंड में निकलती है आफ्टर मास्टरिंग एंड मिक्सिंग आफ्टर एवरीथिंग, उसको बोलते हैं फोनोग्राम कॉपीराइट या साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट या फिर मास्टर कॉपीराइट। आपने काफी बार सुना होगा कि अगर लेबल के साथ साइन करते हैं तो मास्टर राइट्स लेबल ले लेता है, ये सबसे बड़ा कॉपीराइट होता है। तो आपको मास्टर रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट हमेशा करना चाहिए अपने पास, क्योंकि मास्टर रिकॉर्डिंग का मतलब आपने जो गाना रिलीज किया है वो गाना एज इट इज कोई और यूज करेगा, या उस गाने को मैनिपुलेट करके या उसको फ्लिप करके कोई और यूज करेगा, तो आप उसको लीगली सू कर सकते हैं। तो मास्टर रिकॉर्डिंग कॉपीराइट वो कॉपीराइट होता है जो एकदम फाइनल रेडी होकर ऑडियो फाइल निकलती है, उसको हम कॉपीराइट कराते हैं। कॉम्पोजिशन कॉपीराइट के अंदर दो चीजें होती हैं। कॉम्पोजिशन एक तो हो गई जो मेन मेलोडी होती है, जो धुन हो गई गाने की वो, और जो उसके लिरिक्स होते हैं वो, ये दोनों चीजें कॉम्पोजिशन कॉपीराइट का पार्ट है। तो अगर कोई आपके लिरिक्स या फिर आपकी कोई मेलेडी को चुरा के यूज कर रहा है तो वो कॉम्पोजिशन कॉपीराइट्स में आता है, और अगर कोई आपके एज इट इज गाने को यूज कर रहा है तो वो पी लाइन कॉपीराइट या फिर मास्टर रिकॉर्डिंग कॉपीराइट में आता है। तो ये दोनों कॉपीराइट्स अलग तरीके से कराने होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने गानों का जो ऑफिशियली फाइनल रिलीज करते हैं उसका पी लाइन कॉपीराइट करें, और कभी भी अनमिक्स्ड और अनमास्टर्ड गानों का कॉपीराइट पी लाइन में ना करें। हमेशा जो फाइनल आउटपुट रिलीज होने वाला है उसका कॉपीराइट करें। अब बात आती है कॉपीराइट करना कब है। दोनों ऑप्शंस हैं, या तो रिलीज होने से पहले या रिलीज के बाद। मैं सजेस्ट करूंगा जिस दिन आपका गाना रिलीज होता है सेम डे आप कॉपीराइट के लिए फाइल करते हैं। आप पहले भी कर सकते हैं, एक्चुअली मैंने कुछ गाने अपने रिलीज होने से पहले करे थे, बट उसके अंदर पब्लिशर्स की डिटेल आपको नहीं देनी पड़ती है। अगर आप रिलीज होने के बाद कॉपीराइट करते हैं तो उसके अंदर डिटेल्स थोड़ी चेंज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि कॉपीराइट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप पी लाइन कॉपीराइट कर रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको वो ऑडियो फाइल चाहिए जो आपका गाना रेडी हुआ है जिसको आप कॉपीराइट करना चाहते हैं। सेकंड थिंग जो आपको चाहिए वो है NOCs, नो
ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। ये आपको उन सब लोगों से चाहिए जिन्होंने क्रिएटिवली आपके गाने में इनपुट दिया है, और जो आपके पब्लिशर्स हैं उनसे। क्रिएटिव इनपुट आपके गाने में कौन देता है? कंपोजर, लिरिसिस्ट, जिन जिन लोगों ने लिखे हैं उन सबका एनओसी चाहिए। अगर आपके अलावा कोई और कंपोजर भी है आपके गाने का जिन्होंने कंपोज करने में हेल्प करी है या आपके साथ कुछ काम किया है इसमें, तो उनका भी आपको एनओसी चाहिए होगा। उसके बाद आते हैं गाने के सिंगर्स, जिन्होंने भी गाने में गाया है, जितने भी लोग हैं उन सबका आपको एनओसी चाहिए होगा। एनओसी के अंदर ये लिखना होगा बेसिकली, अभी स्क्रीन में आपको मैं इसका टेम्पलेट दिखाऊंगा, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। एनओसी के अंदर ये लिखना होता है बेसिकली कि मैं जो भी आपके सिंगर का नाम है --, अलाउ करती हूं या करता हूं इस आर्टिस्ट को, आपका नाम, कि इस गाने का कंप्लीट कॉपीराइट, मास्टर रिकॉर्डिंग कॉपीराइट इस आर्टिस्ट के नाम पे कर दिया जाए और इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नीचे उनका सिग्नेचर और आपके कंपनी के लेटर हेड पे। ये बेसिक एक आपको एनओसी बनाना है, ठीक है? ये एनओसीज आपको रेडी रखने हैं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन से पहले। अब ये एनओसीज हो गए आपके पास। इसके बाद अगर आप कॉम्पोजिशन कॉपीराइट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो बेसिकली ये चाहिए कि जो भी कॉम्पोजिशन है उसकी या जो और जो लिरिक्स हैं उनको रिटन फॉर्म में आपको स्कैन करना होगा, या वर्ड फाइल में या कहीं पे आपको वो रिटन फॉर्म में चाहिए होंगे। लिखते कैसे हैं कॉम्पोजिशन को? दो ऑप्शंस हैं। एक तो होता है शीट म्यूजिक स्टाफ नोटेशन के साथ, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो दूसरा ऑप्शन होता है क्लासिकल म्यूजिक में, जैसे हम हिंदी में नोटेशंस लिखते हैं। कंपोजिशन लिखने का एक तरीका होता है, फॉर्मेट्स होते हैं जो हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में फॉलो करते हैं, सारे गामा लिख के उसके ऊपर काफी सारी नोटेशंस होती हैं उसकी। ये दो तरीके हैं, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप अपने किसी फ्रेंड की या किसी और बंदे की हेल्प ले सकते हैं जिसको ये चीज आती हो। अगर आप कंपोजिशन कॉपीराइट नहीं भी करेंगे स्टार्टिंग में तो इट वर्क्स, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी लाइन कॉपीराइट इज द मस्ट, सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा। अब आते हैं हम इसकी फीस पे। अगर आप कंपोजिशन कॉपीराइट करते हैं तो उसकी फीस होती है 500 पर सॉन्ग, और अगर आप पी लाइन या मास्टर रिकॉर्डिंग कॉपीराइट करते हैं उसकी फीस होती है 2000 रुपीज पर सॉन्ग। कॉम्पोजिशन कॉपीराइट और साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट अगर आप दोनों कराते हैं गाने के, तो टोटल मिला के आपको 2500 या 2500 रुपए का खर्चा आता है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि गाने को एक्चुअली में कॉपीराइट घर बैठे बैठे आप खुद से कैसे कर सकते हो बिना किसी मीडिएटर की हेल्प से या किसी एजेंट की हेल्प से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इंडिया की जो कॉपीराइट की वेबसाइट है, विच इज copyright.gov.in। इसके अलावा किसी और फ्रॉड या स्कैम वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन मत कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जाकर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, यहाँ पर जाइए। अब यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर नया अकाउंट बनाना है, पर अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपको यहाँ लॉग इन कर लेना है। जैसे मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ, और लॉग इन करने के बाद आई विल शो यू। नया अकाउंट बनाने के लिए नीचे आपको जाना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे, तो फिर ये आपका नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको बेसिक चीजें, टाइटल, मिस्टर या जो भी आपका नाम है, एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पासवर्ड जनरेट करना है, बहुत बेसिक चीज है, तो इसको मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। आपको बेसिकली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको वापस इस पेज पर आना है, फिर आपको जाना है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट पे, फिर आपको यहाँ लॉग इन करना है। मैं अपने अकाउंट डिटेल से यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, सो लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा ई फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए इसे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखेंगी, सीधा नीचे जाइए, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको जाना है, अपना नेम डालना है, जो भी एप्लीकेंट का नेम है। लेट्स सपोज हमारे एप्लीकेंट का नेम है जतिन चावला, ये रैंडम नेम्स डाल रहा हूँ मैं। जतिन चावला एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है हमारी तरह, आप लोग की तरह, जो अपने रिलीज करे हुए सॉन्ग को कॉपीराइट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, एड्रेस डाल देना है, पिन कोड, नेशनलिटी आपको पता है, डेट ऑफ डिस्पैच, जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन की डेट, देन वी विल सेव। बिना सेव करे आगे मत जाइएगा, सेव पार्टी डिटेल्स, और भी कोई अगर और एप्लीकेंट है तो उसको भी आप यहाँ पे साथ में डाल सकते हो, बट इफ यू आर इंडिपेंडेंट तो दिस इज इनफ। कम्युनिकेशन, एड्रेस और नेम, मान लीजिए अगर आप कंपनी हो, आप कंपनी का नाम डाल रहे हो या जो भी, तो आपके बिहाफ पे कम्युनिकेशन कौन करेगा? अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप ही आपके बिहाफ पे कम्युनिकेशन करोगे, तो हम नेम की जगह सेम नेम डालेंगे। किस एड्रेस पर कम्युनिकेशन करनी है वो हम एड्रेस दोबारा यहाँ पर डाल देंगे, फोन नंबर, पिन कोड, एंड देन वील एक्सेप्ट, और इसको हम एक्सेप्ट करने के बाद सेव करके स्टेप टू पर चले जाएंगे। सेव करेंगे फिर यहाँ पे आएगा हमें इसे करना है डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके। डायलॉग बॉक्स को ओके करने के बाद वील गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, विच इज स्टेप टू। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, जब तक आपकी खुद की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट में, जैसे कि LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड, अगर ऐसा कुछ आपने कंप्लायंस नहीं करा हुआ है तो खुद को इंडिविजुअल की तरह सिलेक्ट करना प्लीज। ये गलती मत कीजिएगा कि मैंने ट्रेडमार्क करा लिया अब तो मेरी कंपनी है। सोल प्रोप्राइटर्स इंडिविजुअल में आते हैं। इंडिया के बाद स्टेट अपनी सिलेक्ट कीजिए, मैं हूं दिल्ली से तो आई विल सिलेक्ट दिल्ली। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो, मैं नॉर्थ ईस्ट कर लेता हूं, आई एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। एप्लीकेंट की डिटेल्स। अब अप्लाई एक्चुअली में कौन कर रहा है? अप्लाई कर रहा है जतिन चावला, ही अप्लाई कर रहा है यहां पर भी जतिन चावला। फुल एड्रेस, पिन कोड, नेशनलिटी इंडियन। अब इसको सेव करना है एप्लीकेंट को। ये डिटेल्स आगे बहुत काम आने वाली हैं। अगर
अगर ये यहाँ पर आप सेव कर लोगे तो ये बार बार आपको सेव नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, वो आधे MB से कम होना चाहिए, 512 KB से कम होना चाहिए और JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो मैं अभी अपनी कोई फाइल ऐसे चूज कर लूंगा रैंडमली, बट आपको अपने सिग्नेचर चूज करने हैं। एक ब्लैंक व्हाइट शीट पे जो A4 साइज प्रिंटिंग वाली शीट होती है उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसकी फोटो लेके अपने पास उसको रखिएगा और उसको अपलोड कीजिएगा। मैं अभी अपनी कोई रैंडम फोटो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये मेरे सिग्नेचर हैं एज ऑफ नाउ। तो सिर्फ ये एक डमी रजिस्ट्रेशन है जो मैं आप लोग को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द एक्चुअल रजिस्ट्रेशन। और इस रजिस्ट्रेशन के बीच में मैं ज्यादा चीजें समझाने के लिए रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं रुक गया तो फिर ये रजिस्ट्रेशन का टाइम आउट हो जाता है, फिर हमें दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ऑथर, ओनर, पब्लिशर, कंपोजर, प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप एक्चुअली हो कौन, जो आप गाना रजिस्टर या कॉपीराइट करवाना चाह रहे हो, आप कौन हो उसके। आप उसके ऑथर हो यानी लिरिसिस्ट हो, कंपोजर हो, पब्लिशर हो, ओनर हो, प्रोड्यूसर हो या आर्टिस्ट हो। आपको ओनर पे सिलेक्ट करना है क्योंकि आप उस गाने के ओनर हो, आप ओन करते हो उसको, हम साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट कर रहे हैं। क्लास ऑफ द वर्क, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है साउंड रिकॉर्डिंग या म्यूजिक। म्यूजिक मत सिलेक्ट कीजिएगा, जब म्यूजिक सिलेक्ट करोगे तो आप कॉम्पोजिशन कॉपीराइट करवाओगे, साउंड रिकॉर्डिंग का नहीं। साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट कराने के लिए आपको साउंड रिकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, लेट्स सपोज हम अपने गाना जवान को रजिस्टर कर रहे हैं। जवान इज अ सिंगल सॉन्ग रिलीज्ड बाय जतिन चावला, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। टाइटल ऑफ द वर्क मतलब एग्जैक्टली उस गाने का नाम क्या है जो आपने रिलीज किया था विद करेक्ट स्पेलिंग्स। जवान आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, लेट्स सपोज वो गाना हिंदी में है और बीच में इंग्लिश भी आती है। अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल दबाकर एक और लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए दो लैंग्वेजेस सिलेक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब नीचे जाके देखना है कि नेम, एड्रेस एंड नेशनलिटी ऑफ द ऑथर। ऑथर मतलब जिसने गाना लिखा है या कंपोज किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप लिखोगे सेम एज एप्लीकेंट। सेम एज एप्लीकेंट के अलावा अगर मान लीजिए कोई और भी लिरिसिस्ट है तो आप यहाँ पे उनका भी नाम डालकर, उनकी डिटेल्स डालकर, डेट ऑफ डिसीज मतलब कि उनकी अगर डेथ हो चुकी है तो वो कब डेथ हुई थी वो वाली डेट, तो ये सब चीजें डालकर आप और कंपोजर्स या लिरिसिस्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एंड यू कैन ऐड जितने भी कंपोजर्स हैं उसमें। ईयर एंड कंट्री ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, नेम, एड्रेस एंड नेशनलिटी ऑफ द पब्लिशर। जो पब्लिशर है यानी कि अगर आपने रिलीज किया है तो आपकी नेशनलिटी और कंट्री और आपकी डिटेल्स क्या हैं। अब वो पब्लिशर या तो एप्लीकेंट हो सकता है या तो ऑथर हो सकता है। हमारे केस में एप्लीकेंट है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। सेम एज एप्लीकेंट कर देंगे यहां पर भी। सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमारा गाना रिलीज्ड है या अनरिलीज्ड है, और अगर अनरिलीज्ड है तो आपको ये डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी, बट अगर पब्लिश्ड है आपका सॉन्ग तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो पब्लिश किसने किया, कौन सी कंट्री में हुआ, पब्लिशर का नाम क्या है। और अगर पब्लिशर सेम है मतलब कि अगर आप खुद ही इंडिपेंडेंट रिलीज कर रहे हो तो आप ही उस गाने के पब्लिशर हो, तो यहाँ पर कर दीजिए सेम एज एप्लीकेंट। अगर पब्लिशिंग किसी और ने करी है तो फिर आप चेंज कर सकते हो। और एक बग है इनकी वेबसाइट पे, जब सेम एज एप्लीकेंट करते हैं तो यहाँ ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं लिखा आता, ये आप यहाँ पे जब टाइप करोगे तो भी नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर जाकर एडिट करना है। एडिट करते हुए आपको ईयर ऑफ पब्लिशिंग डालना है, 2024 में मान लीजिए हमारा गाना पब्लिश हुआ है, फिर अपडेट कर देंगे इसको तो आपके यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी आ जाएंगी। इसके अलावा अगर वो दोबारा कभी पब्लिश हुआ है या जिसने भी किया है उनका नाम क्या है, बेसिकली सेम एज एप्लीकेंट, हमने ही किया है सब कुछ पब्लिश, इसको भी हमें एडिट करना है। इसके अंदर हमें एडिट करके ईयर ऑफ सब्सिक्वेंट पब्लिश 2024 एंड अपडेट। नेशनलिटीज ऑफ द ओनर्स ऑफ वेरियस राइट्स, क्या ऐसा कोई है जो आपके अलावा और भी कोई राइट किसी को आपने दिया हुआ है कि वो आपके गाने के लाइसेंसेज और अथॉरिटीज आगे किसी को दे सके या असाइन कर सके। अगर वो किसी और को दिया हुआ है आपको उनकी डिटेल्स यहाँ ऐड करनी है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर आपको खुद से कर देना है सेम एज एप्लीकेंट, मतलब आप ही हो जो अपने गाने के राइट्स और लाइसेंसेज आगे किसी को दे सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता। Then we'll go on to the next step. Again the same thing. If authorized to assign license or rights comprising of the copyright, we'll again do as same as owner. जो owner है वही इसके rights दे सकता है. No one else can do it. अब यहाँ पर हम next point पे आते हैं 13 पर. If the work is an artistic work, हमारा work artistic तो है, पर copyright और legal language में artistic work वो होता है जैसे कि painting या sculpture बनाना, वो artistic work होता है। तो हमें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें 11th step को छोड़ देना है। यहाँ पर भी artistic work है तो हमें इसको भी नहीं करना। आर्टिस्टिक वर्क ये चारों चीजें हमारे काम की नहीं है। देन हम इसको जाकर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वील गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। ऑटोमेटिकली नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पे हम एक्चुअली अपने फाइनल स्टेप पर आ गए हैं, विच इज पेमेंट। अब पेमेंट में अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट करा रहे हो तो जैसे मैंने बताया था आपको पहले, साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट की फीस होती है 2,000 रुपीज, कॉम्पोजिशन कॉपीराइट की फीस होती है 500 रुपीज। और हमने साउंड रिकॉर्डिंग सेलेक्ट किया था, अगर आप म्यूजिक सेलेक्ट करते तो आपको 500 रुपए की फीस यहाँ पर आती। अब मैं इसको आगे जाके पे नहीं करूंगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ प्रीव्यू दबाकर एक बार प्रीव्यू कर सकते हो एग्जैक्टली आपने क्या क्या डिटेल्स डाली है। ये आपकी पर्टिकुलर्स हैं जो हमने अभी भरे थे, सारी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है। एंड दिस इज द बेसिक प्रोसेस, यहाँ पे आप फीस पे कर दीजिए। फीस पे करने
करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन कॉपीराइट सोसाइटी के पास चली जाएगी, वहां पर उसको वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद कुछ 3-4 दिन या हफ्ते भर बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, या नहीं भी आएगा तो प्लीज अपनी वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में जाकर बार बार चेक कीजिए। यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है अपलोड वर्क एंड डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी, यहाँ पे अभी जैसे आपको दिख रहा है कि नो वर्क अवेटेड रिक्वायर्ड्स, पर अगर आप पेमेंट कर रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगी कि आपको अपलोड करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स और अपना वर्क। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कॉपीराइट के लिए रजिस्टर करोगे उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको कि आपने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया है। उस फॉर्म को बहुत संभाल कर रखना, उसके अंदर एक डायरी नंबर होता है, आप उस डायरी नंबर को लेकर बार बार चेक कर सकते हो। यहाँ पर लेफ्ट में स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन पे जाके अपना डायरी नंबर यहाँ कॉपी पेस्ट करो, अभी तो मैंने नहीं किया हुआ। कॉपी पेस्ट करके जब आप व्यू स्टेटस पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि आपके कॉपीराइट की एप्लीकेशन एग्जैक्टली कौन से स्टेप पे है अभी, और जब आपका स्टेटस वर्क अवेटेड डॉक्यूमेंट्स पर आएगा तो आपको अपलोड वर्क एंड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है लेफ्ट पे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं NOCs। अब NOCs के बारे में डिटेल बताता हूँ आपको। बेसिकली जितने भी लोगों ने आपके साथ काम किया है आपके सॉन्ग्स में, चाहे वो सिंगर है, चाहे प्रोड्यूसर है, रैपर है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, गिटारिस्ट है, कुछ भी, प्रोड्यूसर, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर, किसी ने भी आपके साथ कोई भी काम किया है, आपको उनसे NOC लेना है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये वाला जो गाना है उसकी प्रॉपर कॉम्पोजिशन या साउंड रिकॉर्डिंग के राइट्स आपके नाम पर हो। दे आर वर्किंग फॉर यू इन द सॉन्ग, बट साउंड रिकॉर्डिंग एंड कॉम्पोजिशन राइट्स विल बी ओन्ड बाय यू। ये NOC आपको उनसे लेना है, वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना पड़ेगा उनके सिग्नेचर्स के साथ। वो NOC आपको हर किसी से लेना है, उन सबको कंपाइल करके एक सिंगल PDF बनानी है, और वो वाली PDF आप अपलोड करोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक इशू है कि आप ना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा NOC देनी है तो आपको सारी NOC को एक ही PDF फाइल के अंदर डालना पड़ेगा, और वो PDF फाइल आप यहाँ अपलोड करोगे। एक और चीज, हमने अभी रजिस्ट्रेशन तो कर दी कॉपीराइट की, लेकिन हमने इनको अभी सॉन्ग नहीं दिया जो कॉपीराइट करवाना है हमें। एक तो NOCs डालने हैं PDF फॉर्मेट में, और अपना सॉन्ग MP3 फॉर्मेट में 10 MB से कम साइज में अपलोड करना है। 10 MB से बड़ी फाइल ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो गाना अपलोड करोगे, फिर आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपका एक्चुअल कॉपीराइट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ टाइम लगता है, प्लीज वेट कीजिएगा, 1-1.5 महीना करीब वो एप्लीकेशन चलती है। उसके बाद वो पब्लिकली पब्लिश करते हैं आपके काम को कि ये कॉपीराइट के लिए एप्लीकेशन आई है, किसी को इससे ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि क्या ये कॉपीराइट किसी और के कॉपीराइट से कुछ, मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इसमें। तो वो पब्लिश होती है पब्लिकली, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आपको आपका कॉपीराइट सर्टिफिकेट ईमेल पर भेज दिया जाता है रजिस्टर्ड। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है आपके गाने को घर बैठे बिना एक्स्ट्रा कमीशन दिए किसी लॉयर को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्डर को अपने गाने खुद से कॉपीराइट करवाने की, और अपने गानों को दूसरों को चुराने का मौका ना देने की। इसके बाद सबसे एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना रहता है, विच इज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा मैंने जो भी बताया, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं आपको बार बार आपकी फीड पर ऐसी नॉलेज लेकर आता हुआ दिखूं। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा यूजर नेम आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा थैंक्स का बटन है यूट्यूब पे, उसको आप प्रेस कर मुझे डायरेक्टली सपोर्ट भी कर सकते हो। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हो व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे काफी सारी नई नोटिफिकेशंस और इंडस्ट्री इनसाइट्स जो भी होती हैं रिसेंटली वो वहाँ पर आती रहती हैं। प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, एंड आई होप कि आपको वो सारी चीजें पता चली हो कॉपीराइट के बारे में जो आप जानना चाहते थे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो आपके पास तो प्लीज नीचे कॉमेंट में लिख के दीजिए कि आपको क्या एग्जैक्टली डाउट है, क्या जानना चाहते हो, या कोई नई वीडियो की अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स का जल्दी रिप्लाई करके आपके डाउट्स को सॉल्व करूं, और मैं आपके लिए नई वीडियोस लेकर आऊं जो आप देखना चाहते हो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, लेकिन मैं तभी मिल पाऊंगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। और प्लीज हेल्प मी रीच माय गोल विच इज 10,000 सब्सक्राइबर्स टिल अप्रैल 2024, और अगर वो अचीव हुआ तो जैसा मैंने पहले बोला था आपको कि इस चैनल पे मैं एक गिव अवे अनाउंस करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो अगले हफ्ते, नई वीडियो, नई इनसाइट, नई नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।